हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाने जा रहे हैं अपना होम मेड कंडेंस्ड मिल्क। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। मात्र एक मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसे ही बनाया है हमने। इसको हम केक बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी मिठाई की रेसिपी हैं जिनमें हमें कंडेंस्ड मिल्क की आवश्यकता होती है। तो अब इसके लिए हमें मार्केट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर में बना के तैयार कर सकते हैं अपना होममेड कंडेंस मिल्क। मात्र एक मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मैं इसको माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ, तो मैंने माइक्रोवेव सेफ बाउल लिया है। पहले इसमें डाला है एक कप पाउडर मिल्क। कोई सा भी आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हमने जो कटोरी से लिया है या जिस कप से लेंगे उसका जस्ट हाफ हमने पाउडर शुगर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्न स्टार्च। आप कॉर्न स्टार्च मतलब कॉर्न फ्लोर ले सकते हैं, वो भी ना मिले तो आप आरा रोट भी ले सकते हैं, एक बड़ी चम्मच भर के। अब साथ में ले लिया एक आधी चम्मच के करीब, बहुत थोड़ा सा लिया हमने बेकिंग सोडा बस। और इसमें डालेंगे घी या बटर, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा है। और इसमें पानी डाल के इसका बैटर तैयार करना है हमने। तो पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। अब मिक्स करने का इसमें जगह बना लेते हैं बीच में। अब डालेंगे इसे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। हमें इसे बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है इसका। मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी का इस्तेमाल कर लिया है। अब इसको मैं माइक्रोवेव में रखूँगी मात्र एक मिनट के लिए। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो आप इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे बिल्कुल लगातार चलाते हुए। अब माइक्रोवेव में देखिए मेरा बन गया एक मिनट के अंदर ही, कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके पहले फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। मैंने इसको मात्र 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट वाला। आप इसको एक बार बना के स्टोर करके रख सकते हैं करीब 15 दिन तक घर में फ्रिज के अंदर सेफ रखेंगे। आप इसको कभी भी केक बनाएं या कोई मिठाई बनाएं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा होममेड मिल्क मेड बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है घर में। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। अगर आपको इसको फ्रिज में रखना है तो आप इसको कहीं एयर टाइट डब्बे में पैक करके आप इसको रख सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप भी एक बार इस रेसिपी से अपने घर में होममेड अपना मिल्क मेड बनाएं, खाएं और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।